हे गाइस, वेलकम बैक टू अंजन फिल्म्स। मेरा नाम अमित। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज हम लोग जा रहे हैं महाभारत गीता महोत्सव जो पड़ता है हमारा कुरुक्षेत्र के अंदर। वहाँ पे एक महोत्सव चल रहा है नवंबर से जो 6 दिसंबर तक जाना है, और ये ऑलमोस्ट दिसंबर आ चुकी है तो वो ख़त्म होने वाला है। तो अभी जा रहे हैं वहाँ पे और देखते हैं क्या कुछ है, क्योंकि मेरे को काफ़ी टाइम से विजिट कर रहा था कुरुक्षेत्र को भी, और साथ में मेला लगा हुआ है तो मेरे लिए एक गोल्डन चांस हो गया गीता महोत्सव को भी एक्सप्लोर करने का, प्लस कुरुक्षेत्र को देखने का, वहाँ के तीर्थ जो प्लेस है उसको एक्सप्लोर करने का, और रात को ब्यूटी क्या रहेगी उत्सव में वो अलग ही रहने वाली है। लेट्स गो। तो आज मैं जा रहा हूँ अपनी फैमिली के साथ। मेरा पहले प्लान था सिंगल जाने का, बट फैमिली बोली हमें भी चलना है तो हम लोग जाएंगे कार से, और मिलता हूँ वो गाड़ी के अंदर डायरेक्ट, और फटाफट निकलते हैं क्योंकि ऑलरेडी शाम के 4:30 बज चुके हैं। प्रेस द बेल आइकन ऑन द YouTube ऐप एंड नेवर मिस अनदर अपडेट। तो जी, आज की जर्नी हमारी स्टार्ट होती है ग्रीन एक्सप्रेस वे जो नया बना है नारनौल अम्बाला के बीच हरियाणा के अंदर। और काफ़ी टाइम के बाद मैं कार के अंदर वीडियो बना रहा था तो थोड़ी सी प्रैक्टिस नहीं थी इतनी, हाथ में कैमरा रखना और गोप्रो का सिस्टम भी नहीं था कुछ, तो थोड़ा सा इग्नोर करना, आने वाले दिनों में इसको भी हम प्रॉपर कर लेंगे। तो ये जो एक्सप्रेस वे है ना, सबसे बड़ी प्रॉब्लम इस एक्सप्रेस वे की है कि इसके ऊपर बाइक्स अलाउड नहीं है, ऑल्दो आप बाइक लेके जा सकते हो। तो इस एक्सप्रेस वे पे हम कुरुक्षेत्र पहुंच गए थे 1 घंटे के अंदर, बट आजकल अंधेरा जल्दी हो जाता है तो पहुंचते पहुंचते अंधेरा सा हो गया था। वो हमारे लिए एक बेनिफिशियल पॉइंट भी था क्योंकि जो चकाचौंध थी ना मेले की, वो अंधेरे में ही दिखती है। और जैसे ही हमने कुरुक्षेत्र के अंदर एंट्री की तो आप सजावट देख ही सकते कुरुक्षेत्र की कितनी है। और ये जो ट्रिप थी ना, ये मेरी मट्टो की पहली ट्रिप थी जो पहली बार हमारे साथ घूमने निकली थी, वो भी कुरुक्षेत्र जैसी जगह पर। और एज पर गवर्नमेंट यहाँ पे 800 से ज़्यादा छोटे बड़े दुकानदारों की शॉप लगी थी, जिनको पूरा 1 महीने के लिए एक अच्छा व्यापार मिला इस मेले के द्वारा। और बहुत सारे लोग, इवन राष्ट्रपति भी यहाँ पे आए थे इस मेले को देखने के लिए। इस मेले में अलग अलग राज्यों की भी टीमें आई हुई थी जो अपनी अपनी परफॉर्मेंस दे रही थी, बहुत ही डिवोशनल वहाँ की संस्कृतियों के ऊपर। और हम लोग एक अच्छे मौके पे आए जो हम लोग ये देख पाए थे, क्योंकि जैसे ही हम लोग यहाँ पे पहुँचे थे ये लास्ट परफॉर्मेंस चल रही थी उस दिन की। अगर आपको कुरुक्षेत्र की हिस्ट्री नहीं पता है तो ये वही स्थान है जहाँ पे महाभारत का युद्ध लड़ा गया था, तो इसलिए यहाँ पे जो सरोवर है ना, इसके चारों तरफ महाभारत से रिलेटेड जितने भी इमेज हैं मेन वो बनाई गई हैं दीवारों के ऊपर। बट ये स्थान इतना बड़ा है कि आपको यहाँ पे एक ग्राउंड लगाने के लिए अप्रोक्स 1 घंटा लग जाएगा आराम से सब कुछ देखते देखते। और मेले की वजह से इतनी भीड़ थी कि मैं भी इसको पूरा एक्सप्लोर नहीं कर पाया। और मुझे इस प्लेस के ड्रोन शॉट लेने की बहुत ही कामना थी, और लास्ट में आपको पता लगेगा मैंने बहुत ट्राई किया परमिशन लेने का, और आखिरी में जब ट्राई किया उड़ाने का ड्रोन तो ड्रोन उड़ा ही नहीं, पता नहीं कुछ रिस्ट्रिक्शंस की वजह से। प्रफुल्ल
इस मेले के अंदर आपको ई रिक्शा से लेके खाने पीने का सारा इंतजाम किया गया था। जहाँ एक तरफ ई रिक्शा गवर्नमेंट की तरफ से फ्री प्रोवाइड कराई गई थी, वहीं पे जो फूड स्टॉल्स लगी थी उनके रेट्स पे कोई कंट्रोल नहीं था। आप यकीन नहीं करेंगे, एक चाय का कप यहाँ पे 40 रुपये का था, जो नॉर्मल बाजार में मैक्सिमम 10 से 20 रुपये का मिलता है। और मैं इस ब्यूटी को देखने के लिए रात को गया था, क्योंकि जो रात को घाट होते हैं ना, वो इतने अच्छे सुंदर सजे होते हैं कि उनकी निखार ना एकदम अलग ही निकल के आती है। और इसकी कुछ रील्स और फोटोज़ आपको मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाएंगी। अगर आपने अभी तक मेरे को इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया ना, आप मेरे को वहाँ पे जाके फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि वो अपडेट्स आप पहले पाते हो वीडियोज़ के बजाय। और चलिए चलते हैं अब शिव भोले के दर्शन करने। अगर आपको कभी कुरुक्षेत्र विजिट करने का मौका मिलता है ना, तो एक बार शाम को यहाँ पे जाना बनता है, जब यहाँ पे अच्छे से लाइटनिंग हो रखी हो, क्योंकि इन दीवारों के ऊपर महाभारत लिखने से लेके जो अलग अलग ऋषि वेद लिखे गए हैं उनकी आकृतियाँ बनाई गई हैं, जो ज़्यादातर लोगों ने मिस आउट कर दिए, क्योंकि लड़ियों की वजह से सजावट में बहुत सारे लोगों का ध्यान ही नहीं गया उसकी तरफ। तो जी आई होप सो अभी तक की आपको वीडियो पसंद आई होगी। मैं ड्रोन की परमिशन लेने की कोशिश कर रहा हूँ, बट कोई परमिशन दे नहीं रहा, बस कह रहे उड़ा लो। लेकिन इतनी पुलिस है यहाँ पे, किसी ने पकड़ लिया तो डायरेक्ट सीधा समझ लो अंदर है, या क्योंकि यहाँ पे मंत्री वगैरह भी आए हुए हैं, बहुत सारे मिनिस्टर भी आए हुए हैं। तो जो यहाँ के सुपरिटेंडेंट थे जो इसको देख रेख करते हैं, वो कह रहे परमिशन के चक्कर में जाओगे तो बहुत लंबा प्रोसीजर है, और आप ऐसी दाया बाय करके देख लो अपना, उड़ा के कोशिश कर लो, लेकिन परमिशन नहीं मिलेगी। तो अभी देखते हैं उड़ा पाता हूँ कि नहीं उड़ा पाता हूँ। अगर उड़ा पाया तो आप लोगों को ड्रोन शॉट देखने को मिल ही जाएंगे, नहीं तो मैंने कोशिश करी है जितना मेन मेन कैप्चर कर सकता था, लेकिन ये इतना बड़ा है और इतनी भीड़ है ना यहाँ पे कि मतलब चल पाना ही बहुत मुश्किल है, पूरा कवर करना बहुत ही टफ काम हो रखा है। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय, राइट सर।